हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है अमृतसर का। जी हाँ, मैं हूँ अमृतसर में और थोड़े दिन पहले मैं अमृतसर गई थी, अमृतसर वैष्णो देवी। तो 4-5 दिन का हमारा ट्रिप था, वहाँ हम लोग गए थे। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरी बेटी है। तो मैं अपने कज़न्स के साथ गई थी अमृतसर के ट्रिप में और वैष्णो देवी के ट्रिप में। तो ये मेरे मामा की लड़की है रूपाली, ये छोटी है। और उधर ये रही कामनी, ये इनके हस्बैंड है और ये इनके साथ ही, ये लोग पटना में रहते हैं। ये छोटा भाई हर्ष है। तो आज इनकी ना सेकेंड एनिवर्सरी है। यही बात चल रही थी कि ये अपनी बर्बादी का जश्न मनाने यहाँ घूमने आए हैं। तो सेकेंड एनिवर्सरी थी इन लोग की और सबके साथ का प्लान बन गया। तो मेरे मामा के बच्चे, मैं बता रही थी कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, 3 बहनें हैं, कामनी, सोनाली, रूपाली, एक भाई है हर्ष। तो कामनी की शादी हो गई, इनके हस्बैंड हैं, इनके साथ हैं, ये लोग पटना में रहते हैं। तो बस इनकी सेकंड एनिवर्सरी थी, ऐसे ही प्रोग्राम बन गया कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग का वैष्णो देवी का अमृतसर का प्रोग्राम बन गया था, सब साथ में हम लोग निकले थे। तो आज सुबह हम लोग जैसे अमृतसर आए हैं, फिर उसके बाद तैयार व्यार होने में, नहाने में सबको टाइम लग गया था। तो 1 बजे हम लोग होटल से निकले हैं। उसके बाद हम लोग आज जा रहे हैं घूमने अटारी बॉर्डर। तो अटारी बॉर्डर पहुंचने से पहले भूख लगी थी सबको, तो लंच करने के लिए हम लोग एक ढाबे में रुक गए थे। आज का लंच इन दोनों की तरफ से, इन लोग की एनिवर्सरी थी, पार्टी इन लोग की तरफ से थी। तंदूरी रोटी और मशरूम चिली, पनीर और दाल तड़का, और सर्व कर रही है हमारी आज की एनिवर्सरी गर्ल। तो बस हम लोग करेंगे लंच, उसके बाद निकलेंगे। अब यहाँ से हम लोग लंच करने के बाद निकलेंगे अटारी बॉर्डर के लिए। वैसे आज हम लोग को बहुत लेट हो गया था। प्लान तो ये था कि जल्दी निकलेंगे तो एक दो जगह और घूम लेंगे, लेकिन बहुत लेट हो गया था हम लोग को सब रेडी होने में, तैयार होने में। इतने लोग थे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं अब अटारी बॉर्डर के लिए। और ये देखिए हमारा बोर्ड, भारत पाक सीमा लाहौर इस्लामाबाद कितनी दूरी पे है, रास्ते में मिला। यहाँ हम लोग ने फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। और यहाँ से बस थोड़ी दूर पे ये देखिए हमारा आ गया अटारी बॉर्डर, एंट्री हो गई हमारी। पहले हम लोग ना बाघा बॉर्डर कह रहे थे, फिर कि हम लोग का जो है अटारी बॉर्डर लगेगा, वहाँ के लोगों का बाघा बॉर्डर लगेगा। और ये हम लोग नीचे आ चुके हैं। अगर आप लोग अमृतसर आ रहे हो तो होटल पहले से बुक कर लीजिएगा, उसके बाद होटल वाले ही आप लोग को जैसे एक ऑटो मिल जाता है, वो पूरे दिन की बुकिंग कर लेता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो हम लोग ने एक बुक कर लिया था अपना ऑटो, होटल वाले ने ही सजेस्ट किया था, तो वहाँ से हम लोग ने बुक कर लिया था। उसने एक दिन का 1500 लिया सबको घुमाने का, मतलब एक दिन में हम लोग सिर्फ घूम पाए अटारी बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल, ये दो जगह हम एक दिन में घूम पाए। इसका पूरा 1500 लिया था अटारी बॉर्डर ले जाने का, वहाँ से ले आके गोल्डन टेम्पल छोड़ के फिर आपको वो चला जाएगा। वहाँ से हमारा होटल पास था तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमारे होटल से अटारी बॉर्डर बहुत दूर था। तो 1500 लिया वो सही लिया था। तो आप लोग भी ऐसे बुक कर लीजिएगा ऑटो, या ट्रैवल वाली गाड़ियाँ चलती है वो भी आप बुक कर सकते हो। तो बस ये हम लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं। और एक बात, अगर आप यहाँ पर, ये होता है कि चेहरे पे कई लोग फ्लैग बनवाते हैं, तो अगर आपको बनवाना है तो बाहर से ही कहीं बनवा लीजिएगा। जैसे हम जहाँ ढाबे पे रुके थे वहाँ हम चेहरे पे फ्लैग बना रहे थे, वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, 10-10 रुपए लेंगे। यहाँ अंदर अगर आप फ्लैग बनवाते हो तो बहुत महंगा रहता है। एक साइड के गाल का 30 रुपये लेते हैं, दूसरे साइड का मतलब टोटल 60 रुपये हो जाएगा। और ये देखिए हमारा फ्लैग कितना सुंदर लग रहा था। ये हम लोग आ गए अंदर। अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस पर आपको बैठना है। अगर आप लोग पहले आ चुके हो अटारी बॉर्डर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया ये देखने में, परेड देखने में। और यहाँ की टाइमिंग जो रहती है, जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं बताती हूँ, यहाँ की जो टाइमिंग है 4:30 से 5:30 की टाइमिंग है शाम का। शाम को आपको देखने को मिलेगा परेड, तो आप जल्दी आइएगा। अगर थोड़ा दूर है क्योंकि अमृतसर से, तो जल्दी आइएगा। और यहाँ हम लोग को नीचे डांस करने का मौका मिला, जहाँ गेट लगा था, भारत पाकिस्तान का गेट था, वो उसके थोड़े से दूर हम लोग को डांस करने का मौका मिला नीचे उतर के। तो हम चारों बहनें आ गए थे डांस करने के लिए। ये है सोनाली,
और हम लोग ने खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा आया। और सबके साथ आइए ना तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रुप में आना या फैमिली के साथ आने में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ डांस करके, और सारे गाने जो हैं देशभक्ति के ऊपर थे, देश के ऊपर थे हमारे, उस पर हम लोग डांस कर रहे थे। और मैंने यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी आप लोग को दिखाया है, अभी आगे आएगा देखिएगा। और हाँ, अमृतसर में मुझे ना थोड़ा सा अमृतसर महंगा लगा। अब अगर आप अमृतसर वाले तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, अपने हर स्टेट का अलग अलग रहता है। जैसे यूपी में इतना महंगा नहीं है जितना मुझे अमृतसर लगा, तो एक्सपीरियंस है तो बता रही हूँ मैं। जैसे हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे, वहाँ हम लोग ने बताशे खाए 30 के सिर्फ 6 बताशे, और यही अगर आप यूपी आइए या बिहार जाइए वहाँ 10 के 6 मिलते हैं। बहुत डिफरेंस था, जैसे ऑटो वाले भी बहुत ले रहे थे, और हर चीज़ थोड़ी महंगी लगी मुझे। तो बस यहाँ हम लोग का शो ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। बहुत शाम हो गई थी, और कुछ चाय वाय पियेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे गोल्डन टेम्पल। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप अमृतसर से हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन गया है अमृतसर ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी गोल्डन टेम्पल का ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।